Hey, what's up guys? So I hope कि सारे के सारे मजे में होंगे। शाहरुख खान एंड पठान, व्हाट अ कमबैक मैन यार। 4 साल के बाद बंदा आया, वो बोलते एकदम आग लगा के गया। एंड यार देखो, पहली बार मैं इस तरीके से रिव्यू दूंगा ना कि मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैंने ये देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा। अरे भाई मैंने देखा है ना, आपने तो नहीं देखा ना, सो प्लीज जाओ देखो। गारंटी देता हूँ भाई, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका भाई वो पैसा खराब नहीं होने वाला। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एक्शन, पहले से लेकर लास्ट तक सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन देखने को मिलेगा, फाइट देखने को मिलेगी, शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, सलमान खान देखने को मिलेंगे, फाइनली करण अर्जुन इज बैक। सो प्लीज जाओ एंड देखो एंड खुद एंजॉय करो एंड खुद अपना रिव्यू मुझे दो। इंस्टाग्राम के ऊपर अपना वीडियो बनाओ, 30 सेकंड का, 1 मिनट का अपना रिव्यू बनाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर ले लेना, उस पर सेंड करो, मैं आपका वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा। सो प्लीज जाओ देखो एंड अपना रिव्यू दो, इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। एंड फाइनल में अपने रिव्यू के ऊपर आता हूं, मुझे ये मूवी कैसी लगी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं, देखो शाहरुख खान कौन है, वो इज एसआरके। हां, अभी 2 दिन पहले मेरे जो इलाके में एक थिएटर में जाके घुस के कुछ गुंडे लोगों ने, आतंकवादी से भी बड़े गुंडे, जो कि देश की संस्कृति या फिर देश के जो चीजें होती है ना उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, आतंकवादी से बड़े गुंडे ये लोग, तो वो लोग तोड़फोड़ करके गए। फिर हम हमारे सीएम से पूछेंगे ये क्यों रहा है, तो बोलेंगे वो इज एसआरके। उनसे ऐसे चौदह लोगों को है ना बोलना चाहिए, भाई मेरी जो 2 साल की बच्ची है ना वो, उसको भी पता है वो इज एसआरके, वो इज शाहरुख खान। और हमारे देश के सीएम लोगों को नहीं पता है कि वो इज एसआरके और ये हमारे देश को चलाने निकले। एनीवेज छोड़ो, अब मैं आता हूं पठान के ऊपर। देखो सबसे पहले तो शाहरुख खान का एंट्री सीन, सलमान खान का एंट्री सीन, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, और एक भाई कैरेक्टर को जिस तरीके से भाई एंट्री दिया है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एकदम मजा आ जाता है। इसके अंदर जो एक्शन है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड सबसे बड़ी बात जो डायरेक्शन भाई, वो सिद्धार्थ आनंद स्वैग भाई, सिद्धार्थ आनंद की जैसी मूवी होती है एकदम क्लासिक, वो देखने को मिलती है। देखो वीएफएक्स की बात करो, ग्राफिक्स की बात करो, पूरे के पूरे मूवी जिस तरीके से बाहर शूट हुई है भाई, वो चीज इतनी मजेदार, इतनी भयंकर, इतनी बवाल लगती है ना, देख के मजा आता है यार। हर एक एक्शन सीन, प्लस शाहरुख खान, सलमान खान, अरे भाई मतलब क्या बोलो यार मैं इस मूवी के बारे में। आप जाओ देखो, एंजॉय करो, बैकग्राउंड म्यूजिक लो, ग्राफिक्स लो, सिनेमेटोग्राफी लो, वीएफएक्स लो, एक्शन लो, अरे भाई हर एक चीज में एकदम मचा दिया है शाहरुख खान ने। एनीवेज यार देखो, एक बात बोलता हूं यार, देखो लास्ट मैंने केजीएफ चैप्टर 2 देखी थी एंड फाइनली अब मैंने पठान देखी है। जितनी भी पब्लिक आई थी ना देखने के लिए, वो लास्ट तक मूवी खत्म होने के बाद, थिएटर बंद होने के बाद भी बैठी हुई थी कि अब फिर से कुछ देखने को मिलेगा, फिर से कुछ देखने को मिलेगा, फिर से कुछ देखने को मिलेगा। मतलब यार ये जो चीज होती है ना कि भाई पब्लिक उठने का नाम नहीं ले रही है, वो चीज करके दिखाई है यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद एंड शाहरुख खान ने। पब्लिक बैठी हुई है कि भाई हमको अब कुछ देखने को मिलेगा। सो भाई ये जो चीज होती है ना बहुत बड़ी होती है। आप देखो जितने भी भाई मूवी है ये पूरी की पूरी, 1 मिनट भी आपको पलक झपकाने का मौका नहीं देती है। आपके बाजू में भले 10-12 लड़कियां बैठी हो, आप भले ही रंडवे हो, बट आप ये नहीं सोचो कि क्या चांस मार लेते, क्योंकि पठान पे से आपका ध्यान ही नहीं हटेगा। उस लेवल का भाई डायरेक्शन एंड उस लेवल का एक्शन और उस लेवल का एक्टिंग करके दिया यहां पर शाहरुख खान ने। प्लस सलमान खान तो आता है तो वो तो कुछ अलग ही मजा लगता है एंड एकदम मजेदार लगता है यार, एकदम खतरनाक लगता है यार। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मेरे को मूवी एकदम जमा नहीं है, इतना जमा है कि तो पहली बार हुआ है, और 10 बार में देखने के लिए जाऊंगा पठान एंड इसको एंजॉय करूंगा। जब तक थिएटर से निकलेगा नहीं तब तक एंजॉय करूंगा। सो आप भी जाओ देखो, अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करो एंड डेफिनेटली उसको मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा फुल एडिटिंग करके। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड शाहरुख भाई ऐसा कमबैक हुआ है ना, तो आप जवान के अंदर तो और जवानी मचानी है एंड इससे खतरनाक कलेक्शन लाना है, बिकॉज मेरे को पूरा उम्मीद है। यहाँ पर तो सिर्फ हिंदी ऑडियंस ने आपको पहले दिन 45-50 करोड़ का ओपनिंग दिया है भाई, मैं गारंटी देता हूँ जवान का तो आप सिर्फ हिंदी से 50-55 करोड़ का ओपनिंग रखो और साउथ से भी 20-25 करोड़ का ओपनिंग रखो, तो सिर्फ इंडिया से 70-80 करोड़ का ओपनिंग, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ प्लस का ओपनिंग ये होगा। जवान का है ना डंकी का भी सेम हाल होने वाला है, तो भाई शाहरुख भाई का साल होने वाला है, सो मजा आएगा, मजा आएगा। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय।